पिछले 15 साल से 2008 से मेरे परिवार को ध्यान के बारे में, आनापानासति ध्यान के बारे में उनका परिचय हुआ था। मैं आज जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक जर्नी है, एक आत्मा की यात्रा समझ लीजिए। ये जो शरीर में अभी अलेख्या की यात्रा जो चल रही है उसी के बारे में, बिकॉज जो भी हम सब हैं, हम सब कल से हम सुन रहे हैं, हम सब आत्मा हैं, हम धर्म के बारे में सुन रहे हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें कैसे अपने जीवन जीना चाहिए। बट जब हम इस रूम से बाहर जाएंगे और हम अपने दिनचर्या में फिर से घर जाएंगे, यहाँ पर तो सब अच्छा है, खाना परोसने को मिल रहा है, एक शेड्यूल है, घर जाएंगे तो आपका अलग शेड्यूल है, हाँ कि ना? यहाँ से जाएंगे तो सबका अलग शेड्यूल होगा, बट इस रूम से बाहर जाने के बाद भी हम आत्मा है, हम आत्मा की तरह हर पल जी सकते हैं। और ये जो जीने का जो नज़रिया देता है, ये एक जीने का जो एक उत्साह, जो हमारे जीवन में एक उत्साह है करके जो वैज्ञानिक रूप से हमें मिल रहा है, मुझे मेरे लाइफ में 2008 में मिला। आप अपनी यात्रा खुद देख लीजिए। पत्री जी ने सज्जन सांगत्य को बहुत महत्व दिया है। क्यों दिया है सज्जन सांगत्य महत्व? बिकॉज हर एक के जीवन की परिस्थिति में कुछ ना कुछ उसको कुछ सिखाता है। तो मेरे जीवन की इस शारीरिक जीवन की आत्मा की यात्रा सुनकर आप अपना देख लीजिए कि आपकी जर्नी कैसे आगे जा सकती है। मैं 15 साल से कर रही हूँ यहाँ से, मे बी कोई 20 साल भी कर रहा है, मे बी आप अभी 6 महीने ही हुए, 1 साल ही हुआ। हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष का ही माध्यम रहा होगा, या कुछ जीवन में हम ढूंढ रहे होंगे, इसलिए हम ध्यान के मार्ग में आए, हाँ कि ना? कितने लोग के जीवन में कष्ट की वजह से वो ध्यान करने के लिए आए, हेल्थ प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और बाकी सारे लोग आपके पास वाले ने आपको बताया ध्यान करना चाहिए, इसलिए आप आए। यस, तो हमारे जीवन में आइदर कोई ना कोई समस्या हुआ होगा, या आपके जीवन में जिनको आप बहुत मानते हैं उन्होंने आपको इस ध्यान के मार्ग में बताया होगा। तो मेरी भी जीवन की वैसे ही कहानी थी। मैं उस समय 10वीं या 12वीं में पढ़ रही थी। मेरे पिताजी को बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हुए थे, उनके हार्ट ब्रेन, हार्ट में ब्लॉक्स थे, ब्रेन में क्लॉट्स हो गए थे। तो डॉक्टर ने बोला तुम्हारा तो बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है शास्त्री, तो तुम्हें तो ध्यान कुछ तो करना ही पड़ेगा, ध्यान, योगा, आजकल ये बहुत शब्द हम सुनते हैं ना, योगा मेडिटेशन कर लो करके। तो वैसे भी डॉक्टर्स भी आजकल रेकमेंड कर रहे हैं, स्ट्रेसफुल जिंदगी है। तो मेरे पिताजी को बताया, तो हम बहुत सारी जगह गए, पिताजी कर रहे थे, पिताजी की ज़रूरत है ना, मेरी तो ज़रूरत नहीं, उनको हेल्थ प्रॉब्लम है। बट घर परिवार में जब कोई ना कोई बीमार होता है या कोई भी ऐसी परिस्थिति होती है तो हम सबके जीवन में वो इफेक्ट होता है। तो मैं उस समय पढ़ ही रही थी, तो मुझे कहीं ना कहीं पे इफेक्ट हुआ। मेरे पिताजी के साथ मैं काफ़ी क्लोज थी, तो मुझे ऐसे लगा था कि यार ऐसे क्या होगा कि जो हम हॉलीडेज़ के लिए जाते थे, बाहर घूमने जाते थे, अब जा ही नहीं पा रहे। दवाइयों का ये एक साइकिल चल रहा है, सुबह 10 दवाई लेना है, शाम को 10 दवाई लेना है। तो इत्तेफाक से वो एक बिजनेस मीटिंग में जाके एक पिरामिड मास्टर महेश मालू जी ने उनको, वो तो पापा नौकरी भी ढूंढ रहे थे, लेस स्ट्रेसफुल नौकरी मिले, तो एक बिजनेस मीटिंग में एक इंटरव्यू के समय एक पिरामिड मास्टर क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, वो पापा को देखते ही उन्होंने कहा अरे शास्त्री तुम्हारे लिए तो यही जगह है, पर तुमने बोला ना हेल्थ प्रॉब्लम है, तो तुम ये 2 पुस्तक लो। तो सबसे पहले हमारे फैमिली में, परिवार में ध्यान का परिचय एक पुस्तक के माध्यम से हुआ था। हम ध्यान के बारे में, अलग अलग संस्थाओं के बारे में, आशाराम बापूजी, आर्ट ऑफ लिविंग, ईशा फाउंडेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, ब्रह्म कुमारीज, ये सभी के बारे में हम जानते हैं। बट क्या है, हमें किसी संस्था के साथ नहीं जुड़ना था, बिकॉज अब ये जुड़ जाते हैं तो फिर गुरु शिष्य परंपरा। तो बचपन से ही मेरे पिताजी माताजी, हम हैं आंध्रा के, हम बॉम्बे दिल्ली के बीच में पले भरे हैं, तो हमारा थोड़ा एक मॉडर्न अप्रोच हो गया कि बचपन से ही हम जानते थे कि भगवान किसी एक मूर्ति में नहीं हो सकता, बट सारे सांप्रदाय करते थे। तो आज गणेश चतुर्थी है, तो हम सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारे घर पर भी कैसे होता था कि गणेश चतुर्थी के लिए मूर्ति होती थी, सारे पुराण वो सारे स्टोरी सुनते थे, बट समझ में नहीं आता था कि भगवान असली में होता है क्या, उनके लाइफ में भी तो इतने सारे चैलेंजेस हैं करके। तो फिर से वापस आते मेरे पिताजी के स्टोरी के नाम पर, तो उनको ऐसे बिजनेस मीटिंग में बुक मिला, वो घर आए, मम्मा को दिखाया, तो मम्मी ने बोला ये देखो, देख के आते हैं हमारे आसपास ही कोई सेंटर है करके। तो वैसे मेरे पिताजी पहली बारी एक ध्यान केंद्र में जाके पिरामिड के नीचे बैठ के उन्होंने 1 घंटा ध्यान किया। वो उस दिन
उस समय पर 13 से 17 स्टेरॉइड्स लेते थे, जितना उनका हार्ट फ्लक्चुएशन होता था, बीपी फ्लक्चुएट होता था, ब्लड क्लॉट्स को थिनर, ब्लड थिनर होता था, नींद की गोली, फिर नींद की गोली, बॉडी में प्रॉब्लम होता है तो डाइजेशन की गोली, ये सारे डॉक्टर्स तो हमें ऐसे ही बताते ना, 5 गोली का साइड इफेक्ट को निकालने के लिए 5 और गोली हमें देते हैं। सबके साथ ऐसे होता है। तो फिर ये भी हमारी कहानी थी। तो घर में पिताजी ने करना शुरू किया, तो मेरी माताजी ने उनको सपोर्ट में करना शुरू किया, तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट परिवार में ऐसे चल रहा है। मेरी छोटी बहन है तो उसने भी करना शुरू किया। मेरी 12वीं खत्म हुई, मैंने सीए की पढ़ाई की, तो पहली बार ही, तो 2-3 साल ऐसे बीत गए, वो घर पर कर रहे थे। तो 6 महीने लगातार मेरे पिताजी ने परमिट ले लिया था उन्होंने इमीडिएटली। 1 ही घंटे में जो उन्होंने ध्यान किया था उनको बहुत अच्छा लगा, क्या लगा उनको पता नहीं था, बट वो बहुत फ्रेश फील करे। कितने लोगों को ऐसे लगता है ध्यान करने के बाद आपको अनुभव तो नहीं आ रहा बट बहुत फ्रेश फील कर रहे हैं? वाह, जोरदार तालियां हम सबके लिए। यही है ध्यान का अनुभव, यहीं से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी, बहुत फ्रेश फील किया उन्होंने। तो ठीक है, किसी को किसी गुरु की दक्षिणा लेने की जरूरत नहीं है, किसी संस्था को मानने की जरूरत नहीं है, बिना कोई चीज करे, बस अपने घर बैठे बैठे आंखें बंद करके हाथों पैर जोड़ के पिरमिड एक अच्छी चीज है, इसमें भी कोई भगवान मूर्ति तो है नहीं, तो हम उन्होंने करना शुरू किया। तो उस समय भानु प्रसाद सर हैं जो यहाँ पर बिहार में बहुत प्रचार किए, वो हमारे घर पर आते थे। संडे संडे हमने क्या किया, समूह चाहिए होता है ना, सज्जन सांगत्य बहुत बोलते हैं, तो कहाँ से शुरू करोगे, अभी जगह लेना, हॉल लेना ऐसे तो नहीं है। हमारे घर पर और घर पड़ोस आसपास में लोगों को पता हो, हमें थोड़ा लाभ हो रहा है, क्या ही है म्यूजिक चला के साइलेंट में ही बैठना है। तो संडे संडे हमारे घर पर ऐसे लोग आने लगे, और उस समय भानु प्रसाद सर दिल्ली में होते थे, तो भानु प्रसाद सर आते थे घर पर, उनके साथ लिंगा रेड्डी सर, मारुति सर, 2 मास्टर्स है आंध्रा के, जैसे अभी यहाँ पर आए ना बिहार में, हमारे घर में भी ऐसे दिल्ली में आए। तो आए, वो बैठे बैठे हमें ध्यान कराते थे, बहुत अच्छा लगता था। और मैं क्या थी, संडे संडे होता था, एक दिन मिलता था तो मैं छुपके चली जाती थी, 5 बजे का टाइम होता था, ये सब लोग बोलते थे अच्छा आप कमरे को डार्क करेंगे, हम सब ध्यान में बैठेंगे, मैं तैयार होकर बाहर चली जाती थी। मेरे लिए नहीं है ना ध्यान, ध्यान तो जिनको जरूरत है उनके लिए है। तो मैं सीए की पढ़ाई कर रही थी, एक वीकेंड ऐसे आया कि मैं एस्केप नहीं कर पाए, मैं भाग नहीं पाए, मुझे पकड़ लिया। अब घर पर कोई अतिथि आए हैं, शाम को रहने वाले हैं, तो अब खाना वाना तो परोसोगे, सेवा तो हम करेंगे ही घर पर। तो फिर मुझे इस मौके में उन सब ने पकड़ के अपना अनुभव बताना शुरू किया। हम सब लोगों को दूसरे लोग की कहानी सुनना अच्छा लगता है ना, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो मैंने पूछा, ओके सर आप बताओ, आप आंध्रा के रहने वाले हो, आपका अच्छा खासा घर पे घर परिवार है, मतलब ये नहीं है कि आप बहुत दुखदार स्थिति है, किसी चीज़ से भाग के आप यहाँ पर आ रहे हो, उनका उनके फैमिली रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं, वो एडुकेटेड भी हैं, तो ये क्यों घर से बाहर जाके यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं? ना उनको खुद वो ज़्यादा खाना भी नहीं खाते, तो खाना बनाना, अगले फैमिली से दूर रह रहे तो खाना बनाना, वो रेंट रखना, फिर ढूंढना कि भाई कोई बंदा मिले जिसको मैं ध्यान सिखा सकता हूँ करके, पार्क, स्कूल, शहर, जहाँ पर एक बंदा भी मिले उसको पकड़ के ध्यान सिखाना। तो मुझे लगा ये तो चलो मेरे पेरेंट्स का तो भला हो रहा है, 6 महीने लगातार मेरे पिताजी ने ध्यान करके अपने 13 से 18 स्टेरॉइड्स की दवाई को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, हमारा घर परिवार दवाई मुक्त जी रहा था। फिर भी मेरा जर्नी वहां से शुरू नहीं हुआ, मुझे लगा इनके लिए है, मेरे लिए थोड़ी है, हम सब समझते दूसरे लोगों के लिए है ध्यान। बट जब मेरे जीवन में खुद वो एक सिचुएशन आया, तो जब भानु प्रसाद सर के साथ मैं बैठी और मैंने पूछा सर आप कर क्यों रहे हो ये, तो उन्होंने मुझे बहुत डीप एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं समय नहीं लूंगी वो अनुभव शेयर करने के लिए, आप भानु प्रसाद सर को पूछना, वो बाहर ही हैं, कि सर आप क्या एक अनुभव शेयर किए, उनकी माता जी का शरीर छोड़ने का अनुभव उन्होंने शेयर किया। हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं पे मृत्यु एक एलिमेंट है, हम जाने अनजाने में कहीं ना कहीं पे जीने का डर है या मरने का डर है, या कोई हमारे पास वाले का जो मृत्यु हो जाए फिर हमारा जीवन क्या हो जाए वो डर है। इस इंसान को मैं देख रही हूँ कि वो 3 साल से अपने घर परिवार को छोड़कर पूरे देश भर में जहाँ पर भाषा भी नहीं आती, ऐसे कठोर परिस्थितियों में जाके सिर्फ लोगों के भलाई के लिए ध्यान प्रचार कर रहे हैं, तो ये तो सनकी इंसान है, इसमें तो कुछ तो लोचा है, कुछ तो होगा, मैं पकड़ नहीं पाई बट कुछ तो होगा। बट उन्होंने मुझे जाते जाते एक चैलेंज दिया, अलेखिया करके देखो तुम्हें पता चलेगा क्या होगा, 40 दिन का उन्होंने मुझे चैलेंज दिया। फिर मैंने करना शुरू किया। मेरा कैरेक्टर क्या है, सब लोग करें और मैं करूं तो फिर मेरा कैरेक्टर हट जाएगा ना,
मैं तो वो वाली कैरेक्टर हूँ जो नहीं सुनता दूसरे लोग की बात। तो मैं अपना दरवाज़ा बंद करके अपनी पढ़ाई करते समय मैंने ध्यान करना शुरू किया। उसी समय फिर मैं ब्रह्मश्री प्रेमनाथ सर के साथ मेरा परिचय हुआ। तो उन्होंने एक दिन कॉल पर मुझे बोला, अलिखित तुम ध्यान में बैठो। अगले दिन मेरा पेपर था, मैं कहीं पे, मैं पहली बारी फेल हुई थी सीए की पढ़ाई के समय। पहला एग्जाम में पहली बारी मैंने फेलियर देखा। तो मुझे उस समय जब भानुप्रसाद सर ने बोला था ना 40 दिन करो, तो मुझे कहीं ना कहीं पे अट्रैक्ट किया। अच्छा नहीं, इसमें कुछ है जो करने वाली बात है, ये लोग तो कर रहे हैं, मुझे अपने कैरेक्टर में घुस के खुद ही करना है करके मैंने करना शुरू किया। जब प्रेमनाथ सर ने कॉल किया, फ़ोन पे बात किया, मैं भी सोच रही थी क्या मतलब फ़ोन पे कौन ध्यान कराता है ना। हम ये सब उटपटांग चीज़ें हैं, हम समझते हैं कि ध्यान के लिए एक जगह होनी चाहिए, एक गुरु चाहिए, एक मार्गदर्शक चाहिए। बट ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने घर में अपने कम्फर्ट में, वो आपके घर पर आपको सिखाने के लिए आ रहे हैं। तो मुझे वो अच्छा लगा था। ऑफकोर्स हम सबको भी अच्छा लगा, इसलिए हम यहाँ पर आए। तो प्रेमनाथ सर ने जब मुझे मेडिटेशन में गाइड भी कुछ नहीं किया, बस देखो क्या हो रहा है। तो मुझे मेरा पहला तीसरिया का अनुभव हुआ। तब तक जब मैं ध्यान कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सारा ऊर्जा महसूस कर रही थी, कुछ दिख विक नहीं रहा था। पहली बारी मैं ध्यान उस समय फिर प्रेमनाथ सर के साथ बैठी तो मेरी तीसरी आँख खुली, तो मुझे बहुत सारे अलग अलग दृश्य सब कुछ दिखाई देने लगा। फिर मुझे उन्होंने पूछा फोन पर कि अलेखिया कल का पेपर देखो। एक तरफ तो मेरा दिमाग बोल रहा है ऐसे क्या ही बोल रहे हैं सर, ऐसे कैसे हो सकता है कि पेपर देखो, पर दूसरी तरफ मुझे दिख रहा है, मतलब आप दिव्य दृष्टि जो बोलते हैं, बस हमारे मनोचक्षु से ही हमें एक फीलिंग आता है कि कल क्या आने वाला है। तो मैंने जल्दी जल्दी नोट डाउन किया, और ऑफकोर्स आपको पता ही होगा फिर अगले दिन जब मैं ये बता रही हूँ और सक्सेस स्टोरी होगा कि अगले दिन जब मैं पेपर लिखने गई तो वो एक प्रश्न आए थे। तो तीसरी आँख का अनुभव भी समझ में आ गया। अब मुझे बहुत डाउट होने लगा, ये लोग पैसा नहीं ले रहे, ये लोग मेरे परिवार मेरे जीवन की हर समस्या का समाधान दे रहे हैं, इन लोगों का है क्या चक्कर। तो मैं आज अब प्रेजेंट करना चाहूँगी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट, जिसको मैंने सोचा मैं संस्था का तो पार्ट होंगी ही नहीं, मैं बन गई इस आध्यात्मिक आंदोलन का एक मुख्य विभाग, एक मुख्य सदस्य अपने लिए। बिकॉज मैंने अपना जीवन का तय किया कि ये जो कर रहे हैं, बचपन से ही लेके मेरे मन में था कि समाज सेवा करना चाहिए, कुछ ऐसा देना चाहिए समाज को जिससे अपना ही नहीं सबका भला हो। भले मेरे पास एक ही रोटी हो बट सबके साथ मैं बांट पाऊँ। कितने लोग के साथ यही मनोभाव है कि मेरे साथ सबका भला हो। तो हम सब इसीलिए यहाँ पर गया में आकर पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। हम सब मुख्य विभाग हैं इन सबके। एक पिरामिड मास्टर काफ़ी है, एक पत्री जी काफ़ी थे ना होते हुए भी भौतिक शरीर में हम सबको यहाँ पर लाने के लिए। और ये है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट की कहानी। हमने परिणीता अक्का से सुबह सुना ही था, 1980 में पत्री सर ने पहली बारी जो आत्मबोध की प्राप्ति उनको एक पुस्तक के माध्यम से मिली, उन्होंने न्यूज़लेटर्स के फॉर्मेट में जो भी उनको पुस्तक अच्छी लगती थी उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के वो अक्का ने बताया ना कि वो फर्टिलाइजर्स का, वो पेस्टिसाइड्स को फार्मिंग के लिए, हमारे खेतीबाड़ी के लिए क्या क्या दवाइयाँ होती है वो उनका कंपनी करता था। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, अपने घर बैठे बैठे अपनी कंपनी के काम के साथ साथ उन्होंने ये पर्ची भी बांटना शुरू कर दिया। अरे पढ़ बहुत अच्छा लगेगा, अरे ध्यान बहुत अच्छी चीज़ है। तो 1980 से एक्चुअली जब 1979 आत्मबोध की प्राप्ति हुई कि सारा ब्रह्मांडीय सत्य समझ में आ गया, हम आत्मा हैं, हम अनुभव के लिए केवल मात्र यहाँ पर आए हैं, कुन क्षण के मेहमान हैं, पुण्य और पाप अनंत है, अगर कुछ सत्य है तो यही है कि हम सब एक हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ये सारा आत्मबोध की प्राप्ति उनको 1979 में हो गया। बट उनको उन्होंने वास्तविकता में, वास्तविक रूप में वो उन्होंने करना कैसे शुरू किया, उनके सामने जो काम उनको दिखा उन्होंने करना शुरू किया। एक पुस्तक के माध्यम से उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो उन्होंने कहा मैं हर एक पुस्तक का निचोड़ सब तक पहुँचाएंगे। 1,00,000 से भी अधिक पुस्तकें जो हर एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड में यहाँ पर भूलोक में लिखा है, वो कोई भी कुल का हो, कोई भी मति का हो, कोई भी समय का हो, उन सबको समेट कर उन्होंने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट बनाया है। ऐसे अद्भुत आंदोलन का हम महत्वपूर्ण हिस्सा है। पता है क्यों? ये सारा जर्नी आपको ये शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा, ये सारा जर्नी मेरे जीवन का भी जर्नी बन गया। मुझे बेनिफिट हुआ
मेरे दोस्त जो सीए के दोस्त थे, मैं तो पास हो गई, मेरे आसपास के लोग भी भला हो तो मैंने अपने घर परिवार, मेरे घर पे तो करते ही थे, मेरे दोस्तों से शुरू किया। फिर पैम्फलेट्स आए, पर्ची आई सब तक बताने के लिए कि अच्छा अब आप कर सकते हैं ध्यान, आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, आपके जीवन में चैलेंज है आप भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया। एक दिन मैं खुद देख रही थी, ये तो भानु प्रसाद सर का काम है, मेरा काम थोड़ी है प्रचार करना। बट ध्यान एक ऐसी चीज़ है, जब आप लाभान्वित होते हैं आपकी दिल की खुशी अपने आप तक आप सीमित नहीं रख सकते, आप हर एक तक पहुंचाना चाहते हैं। कितने लोग यहाँ पर हर एक तक पहुंचाना चाहते हैं अपना ध्यान का अनुभव? तो सबसे पहले आप सभी के लिए जोरदार तालियां, इसीलिए हम यहाँ पर हैं। अब सब लोग बोल रहे, अरे हम इतने भाग्यवान हैं कि हम यहाँ पर आए हैं, हम गया आए हैं। हम सब अपने पिछले जन्म का जो हम ऑलरेडी जी के आ चुके हैं, इस अपना वेश बदलकर यहाँ पर अनुभव केवल एक दूसरे का आनंद लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर हम किसी के नीचे सर झुका के बोले अरे आप हमसे ग्रेट है, नहीं, हम सब ग्रेट हैं। ये सब हम जन्मों जन्मों का ये सारा सिलसिला खत्म करके आप यहाँ पर आए हैं। अगर आप बिहार के वासी हैं तो आप एक पुण्य भूमि में ऑलरेडी पैदा हुए हैं। अगर आप एक शाकाहारी परिवार में हैं तो आप ऑलरेडी एक पुण्य भूमि में, आप ऑलरेडी एक पुण्य जीवन जी रहे हैं। अगर आप मांसाहारी परिवार से ट्रांसफॉर्म होके ध्यान के माध्यम से अगर आप आज शाकाहारी बने हैं, तो आप जो आज हम शाम को जो शाकाहार रैली करने वाले हैं, आपके सारे कर्मों का निवारण हो जाएगा। मुक्ति का मार्ग PSS में तय है। मैं ध्यान में इसीलिए आई बिकॉज मैं पत्री जी को देख के मुझे एक ही चीज मैंने सीखा उनसे कि मुक्त में कैसे रहना, हर पल आनंद में जीना। ऐसे कोई भी इंसान नहीं है दुनिया में, भले वो मोदी हो या भिखारी हो, जिसके जीवन में चैलेंजेस नहीं है। आप मानते हैं ये सबके जीवन में है, बट वो चीज उनको टच भी नहीं कर रही और वो आनंद में जी रहे, ये कैसे मुमकिन है? तो फिर से मेरी ध्यान की जर्नी मेरे लिए वापस आई। तो CA का पढ़ाई तो मैंने थोड़ा टाइम ध्यान करके, पेपर दिख गया बहुत अच्छी बात है, फिर ध्यान छोड़ दिया। प्रॉब्लम ठीक हो गया तो हम करते हैं क्या फिर उसके बाद? भगवान के पास भी मत्था टेकना तभी जाते हैं जब प्रॉब्लम का सिचुएशन होता है। तो ऐसे ही हुआ था, फिर मैंने छोड़ दिया, अरे मुझे क्या ज़रूरत है। फिर थोड़ा आगे बढ़ी मेरी कहानी, फिर मैं दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गई। मुंबई में मुझे ऐसे लगा अरे सब यंगस्टर्स का ज़माना है, पार्टी पार्टी करेंगे करके। मैं इतनी भी नहीं, मैं सेवा करती थी, बट ये था ना ध्यान के साथ मेरा लगाव। जब संघ नहीं होता सही तो आपका माइंड भी वैसे ही चलने लगता है। तो मेरा वैसे ही मूड था। बट अगर ने एक बारी भी आपने ध्यान किया है और आपने अपनी आत्मा की पुकार सुनी है, आत्मा हमारे दिल में जो भावनाएं होती है ना, वैसे हमसे बात करती है। तो मुझे खाली महसूस हो रहा था, सब कुछ होने के बावजूद, अच्छे मार्क्स आए, अच्छा जॉब नौकरी मिला, अच्छे दोस्त थे, परिवार वाले सपोर्टिव है, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी मुझे मेरे अंदर एक खालीपन महसूस हुआ। और हर एक के जीवन में, हर एक के ध्यानी के जीवन में एक समय आता है सब कुछ होने के बावजूद भी आप फील करते हो नहीं, कुछ और है। वो कुछ और जो बाकी है वो यहाँ पर इस संस्था के साथ जुड़कर मेरा पूर्णता, मैंने अपनी पूर्णता को अनुभव करना शुरू किया। 2016 तक ऐसे कोई भी पुस्तक नहीं हो, ऐसी कोई जगह नहीं हो, ऐसे कोई इंसान नहीं हो जिसको मैंने पूछ कर बोला तुम्हें क्या मिला। मैं करती थी सेवा। हम सब यहाँ पर भी, अगर आपको दिखे कोई कचरा नीचे गिरा हो, हम सब के अंदर वो सेवा भाव है। बट सही में उस सही माध्यम से सेवा कैसे करना है, अगर वो हम सीखना चाहते हैं, तो मुझे यहाँ से मिला। सबसे पहला सेवा जो मुझे मिला है कि मेरा समय देना। आप अपना समय कहाँ पर बिताते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप आज जब यहाँ से बाहर जाएंगे और आप आत्मस्थिति में जीना चाहते हैं, हमारा यही है ना, हम इसलिए ही आए ना। अगर आप आत्मस्थिति में जीना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज़ है कि आप अपना समय जो बहुत बहुमूल्य है उसको आप कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं। तो जो पहले मैं जॉब करते समय में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताती थी, मैं अय्याशगिरी तो नहीं बोलूँगी बट कहीं ना कहीं भी संसारिक, मतलब किंचन मात्र जो है जिसे मुझे पूर्ण तरीके से खुशी नहीं मिले, वो मैं करती थी। तो आप देखना घर जाके आपके फोन पे आप कितना समय स्क्रोलिंग करते हैं, कितना समय आप न्यूज़ देखते हैं, कितना समय आप व्यर्थ की बातें में आप गवाते हैं।
कितना समय आप सही में आध्यात्मिक बातें करते हैं और कितना समय आप अननेसेसरी फिजूल की बातें करते हैं, कितना समय आप इस पल के बारे में बात करते हैं और कितना भूत और भविष्यकाल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला सेवा जो मेरा शुरू हुआ है, मेरी वाक क्षेत्र में शुरू हुआ कि मैं किस प्रकार अपने समय को कैसे इस्तेमाल करती हूँ। आत्मा की स्थिति में अगर मैं जी रही हूँ तो मैं किसी के बारे में कंप्लेंट नहीं करूँगी, अरे वो अपना जीवन जी रहा है, मैं अपना जीवन जी रही हूँ, विशेष टिप्पणी की ज़रूरत ही नहीं है।